नाउ so स्टूडेंट्स अब हम क्योंकि मेजेंटो uh, को इम्प्लीमेंट uh, करने की तरफ जा रहे हैं सो लेट मी जस्ट स्लोली मेक द द बैकग्राउंड ऑफ मेजेंटो टू यू कि मेजेंटो है क्या एक्चुअली मेजेंटो बेसिकली आप यूँ कह लें जैसे हमने अभी डिस्कस किया इट इज़ वन ऑफ द टॉप रेटेड ई कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर यानी इसकी मदद से हम लोग अपना ई कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर ओपन कर सकते हैं ये बेसिकली आजकल ई बे के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की हुई है ताकि यानी अगर मतलब ये बता मैं सिर्फ इससे रहा हूँ कि जैसे ही आप मजेंटो यूज़ करते हैं तो आपको और बहुत ज़्यादा चीज़ों पर एक्सेस मिल जाती है लेकिन वी विल जस्ट स्टिक टू द बेसिक कि इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है हमारी डिस्कशन में वो ये है कि हम लोग बेसिक ऑनलाइन स्टोर ओपन कर सकें उसके बाद जो ऑनलाइन स्टोर में जो फीचर्स हमने डिस्कस किए थे यानी उसके अंदर प्रोडक्ट होने चाहिए साइन इन होना चाहिए जितने भी हमने फीचर्स हमने डिस्कस किए थे वो सारे के सारे फ़ीचर्स हम लोग एक्सेस कर सकें इस ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर के ज़रिए तीसरी और ज़रूरी चीज़ के बहुत ज़्यादा यानी हम लोग इसके अंदर कोडिंग नहीं करना चाह रहे प्राइमेरली आई विल ट्राई कि हम लोग क्लिक एंड ड्रैग से ही हम लोग कॉन्फिगेशन कर लें मेजेंटो की सो मूविंग फॉरवर्ड मेजेंटो के बेसिकली दो वर्जनस हैं एक कम्युनिटी वर्जन है जो कि बेसिकली फ्री है जो कि मैं और आप यूज़ करेंगे और दूसरा बेसिकली इसका कमर्शियल वर्जन है जिसकी डिपेंडिंग अपॉन द डिपेंडिंग अपॉन द फीचर यानी आप क्या क्या उसमें परचेस करना चाहते हैं उसके हिसाब से इनका इंटरप्राइज वर्जन यानी यूँ कह लें कि अगर एक कंपनी है जो मेजेंटो शॉप ओपन करना चाहती है दे वॉन्ट सम एडवांस फीचर्स तो एडवांस फीचर्स के लिए एंटरप्राइज वर्जन अवेलेबल है ऑब्वियसली वो पेड है उसके बाद जो मेजेंटो है ये क्यों इतना मशहूर है क्योंकि इसके जरिए आप ऑनलाइन स्टोर बहुत जल्दी से आप क्रिएट कर सकते हैं मतलब अभी हम देखेंगे आगे जाके कि ओवर ओवर क्लिक ऑफ फॉर एग्जांपल फाइव सिक्स क्लिक्स यू आर डन विद यानी आप पांच छह जगह क्लिक करें तो आपके पास ऑनलाइन स्टोर की सारी की सारी फंक्शनैलिटी जो

या आप ये समझिए कि आप अपने प्रोडक्ट का नाम खुद से ऐड कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं यानी एक बेसिक सेटअप आपको ये क्रिएट करके दे देगा मेजेंटो उसके बाद आप इसमें अपनी मर्जी के प्रोडक्ट्स अपनी मर्जी की कैटेगरीज कैटलॉग्स, डिफरेंट कॉन्फिग्रेशन जो अमाउंट है बिल का वो आप डिफरेंट यानी आप डिफरेंट कॉन्फिग्रेशन कर सकते हो इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो अब यहाँ पे कस्टमाइज़ का वर्ड may क्रिएट a bit confusion. कस्टमाइजेशन हमारे context में जो हम लोग करने लगे हैं वो अभी configuration है लेकिन अगर हम उससे कस्टमाइजेशन ओवरऑल पूछेंगे तो वो ये भी हो सकता है कि आप existing चीज़ के को अंदर कोई नई चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं तो दैट्स आर डिफरेंट थिंग हम कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड नहीं करेंगे हम एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को यूज़ करते हुए सिर्फ उसकी कॉन्फ्रिगेशन करेंगे so, यहाँ पर कस्टमाइजेशन का मतलब ये है उसके अलावा जो मजेंटो है ये हाईली ऑप्टिमाइज है तमाम प्लेटफॉर्म्स के लिए आसान लफ्ज़ों में मोबाइल वर्जन है आई का वर्जन है मैक है क्रोम है तो जितने डिफरेंट डिवाइस हैं जितने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर यह बहुत ऑप्टिमली चलता है यानी रिस्पॉन्सिव जो हमने डिस्कस किया था शॉपिंग कार्ड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर वो ये ये रिस्पॉन्सिव भी आपको है जो अब हम अभी कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे ऑब्वियसली जब आपने अपना स्टोर ओपन करना है तो हमने ये डिस्कस किया था कि सबसे पहली चीज वॉट यू नीड वॉट यू नीड इज अ डोमेन नेम डोमेन नेम के अगेंस्ट ही आप बेसिकली कोई स्टोर मैप करेंगे तो डोमेन नेम आपको परचेज करना पड़ेगा ऑब्वियसली इट इज़ नॉट फ्री मेजेंटो के अंदर अगर आपने पेमेंट प्रोसेस करवानी है यानी आप कोई अगर पे पाल या कोई डिफरेंट मैकेनिज्म आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो इसके फ्री वर्जन का पार्ट नहीं है यू हैव टू यू हैव टू फी यू हैव टू पे अ फी फॉर इट सो हम कोशिश ये करेंगे कि हम जितनी चीज़ें कम्यूनिटी uh, एडिशन में हमारे पास अवेलेबल हैं यानी फ्री वर्जन में वो हम लोग एक्सप्लोर करें और मेजेंटों को हम लोकली अपने पी सी के ऊपर लोकल होस्ट पर हम uh, हम कॉन्फिगर करेंगे और हम फिर यूज़ करेंगे अभी हम इसको ऑनलाइन नहीं ले कर जाएंगे अभी अपने कंप्यूटर के ऊपर लोकल होस्ट पे हम इसको डिप्लॉय करेंगे और फिर हम इसको एक्सप्लोर करके देखेंगे इसके अंदर क्लाइंट साइड भी आएगी यानी मैं अगर कोई चीज़ परचेस करना चाहता हूँ वो भी मैं लोकल होस्ट पे कॉन्फिगर करूंगा और जो एडमिन साइड है एडमिन साइड से मुराद ये है कि जो ऑनर है फॉर एग्जाम्पल जो 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 प्रोडक्ट को मैनेज कर रहा है जो कैटलॉग मैनेज कर रहा है तो ये दोनों फंक्शनैलिटी आपको बेजेंटो प्रोवाइड करेगी जब हम इसको अपने लोकल होस्ट पे इंस्टॉल करेंगे